सिंगरौली जिले के नगर निगम उप कार्यालय मोरवा के अधिकारियों की तानाशाही देखने को मिली। बताया जाता है कि मोरवा बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर गुरुवार अल सुबह करीब 5 बजे नगर निगम राजस्व उप निरीक्षक रण बहादुर सिंह द्वारा JCB की मदद से मुख्य बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास शिव प्रसाद गुप्ता एवं अनिल गुप्ता की 3 दुकानों का अतिक्रमण तोड़ने के चक्कर में उनके शटर तक उखाड़ डाले। निगम की इस कार्यवाही के बाद मामला बिगड़ता देख निगम अधिकारी कर्मियों के साथ वहां से 9-2-11 हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, पार्षद विमल गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग, कांग्रेस जिला महासचिव शेखर सिंह, कांग्रेस नेता नरेंद्र चंद सिंह, राजेश सिंह समेत सैकड़ों व्यापारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया एवं नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था कि बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस के यह कार्यवाही की गई है। वहीं राजस्व उप निरीक्षक रण बहादुर सिंह द्वारा व्यक्तिगत तौर पर आपसी रंजिश निकालने के लिए दिन के बजाय अल सुबह बिना बताए कार्यवाही को किया गया है, जिसे लेकर युवा व्यापार मंडल द्वारा मोरवा मार्केट का मुख्य मार्ग जाम कर रण बहादुर सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। मौके पर पहुंचे मोरवा निरीक्षक नागिन प्रताप सिंह द्वारा लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया गया। लगातार जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार इन कर्मचारियों की आतंक बढ़ता जा रहा है। मनमानी तरीके से इनको बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए, इनको हफ्ते भर के 10 दिन की नोटिस देना चाहिए, उसके बाद अगर स्वयं नहीं हटाते तब ये इनको हटाना चाहिए। भोर में सोते हुए 4 बजे भोर में ये आके JCB लगा के उसका शटर तोड़ दिए। शटर खुला, कितना सामान गया कुछ पता नहीं। इनके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर नहीं FIR हुई तो पूरा बाजार यहाँ बंद होगा और इनका आतंक नहीं खत्म हुआ तो जान लीजिए आने वाले समय में ये पूरे बाजार को तबाह करके रखेंगे। अच्छा, ये कौन अधिकारी आए थे ये शटर तोड़ने की? आप नगर निगम में पहला एक कमिश्नर है रण बहादुर सिंह, उप राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ है, लेकिन पूरे बाजार में उसका आतंक है। मनमानी तरीके से पैसे मांगता है, पैसे न देने पे उस संबंधित व्यापारी को परेशान करता है इस तरह से। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ शटर तोड़ने रण बहादुर सिंह आए थे? रण बहादुर सिंह खड़े होके अपने सफाई कर्मचारियों से JCB लगा के तोड़वाया गया। आप क्या चाहते हैं इस विषय में? इसमें नगर निगम कमिश्नर आए, कलेक्टर साहब आए, सिंगरौली को स्वच्छ बनाने के नाम पे व्यापारियों को परेशान न किया जाए। सिंगरौली स्वच्छ रहेगी, होना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी बर्बाद करके स्वच्छ नहीं होना चाहिए।